आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने किसी भी लोकेशन को या फिर आपकी आसपास में किसी भी पॉपुलर लोकेशन को जो गूगल मैप पे नहीं है वहां पे आप अपनी किसी भी लोकेशन को किस तरह से ऐड कर सकते हो। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपकी आसपास में कोई भी ऐसा लोकेशन है जिसे आप गूगल मैप के अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले आपको एक चीज को ध्यान में रखना होगा, आप प्ले स्टोर के अंदर जाके सबसे पहले आप अपनी गूगल मैप को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। अगर अपडेट है तो उस सिचुएशन पे आपको सबसे पहले आपकी जो गूगल मैप है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके गूगल मैप की ऊपर की तरफ यहाँ पे जो लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा सैटेलाइट का, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो गूगल मैप है सैटेलाइट व्यू से आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना है आपको आपके गूगल मैप की उस पोजीशन पे आपको लेकर आना है जो पोजीशन मिसिंग है, जिस पोजीशन को आप गूगल मैप के अंदर ऐड करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे चाहो तो मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे जूम करके भी आप अपनी उस लोकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जिस लोकेशन को आप गूगल मैप के अंदर ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो करना है आपको उस पोजीशन के ऊपर आपके फिंगर से थोड़ी देर टच करके रखना होगा जिस पोजीशन की नाम को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे अपने फिंगर को स्किन की वो थोड़ी देर टच करके रखोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक लोगो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो करना होगा आपको आपके इस लोगो की ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ से इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ एक ऑप्शन देख पाओगे एड ए मिसिंग प्लेस, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है आपकी लोकेशन को ऐड करने के लिए। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐड प्लेस की जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेस नाम की जगह पे आप अपने मिसिंग प्लेस की कौन सा नाम रखना चाहते हो, जो नाम को लोग सर्च करके आपकी प्लेस को देख पाएगा वो नाम को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सौ जेड टाइप कर लेता हूँ। आप अपनी जिस नाम को गूगल मैप के अंदर ऐड करना चाहते हो उस नाम को टाइप कर लेना। उसके बाद है कैटेगरी, आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी ओपन हो जाएगा। आप इनमें से आप जो मिसिंग प्लेस को ऐड कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद है एड मोर डिटेल्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन ओपन होगा। आपकी कोई भी शॉप या फिर कोई भी संस्था होगा वो कौन सी डेट पे कितने कितने टाइम ओपन रहता है उसका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो भर सकते हो। और उसके बाद ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम वो आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप उस प्लेस की कोई फोटोग्राफ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप अपने प्लेस की फोटो को भी ऐड कर सकते हो। सब कुछ ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है गूगल मैप की जो ऑफिशियल टीम है उन लोगों के पास चला जाएगा और आपके पास इस तरह से एक मैसेज हो जाएगा। और आप जिस ईमेल आईडी से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उस ईमेल आईडी के अंदर आपकी एक रिक्वेस्ट ईमेल आपको भेज दिया जाएगा और गूगल मैप की जो ऑफिशियल टीम है वो आपकी इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा। अगर उन लोगों को आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला है वो सब कुछ सही रहता है तो कुछ दिनों के अंदर या फिर कुछ घंटों के अंदर आपकी जो मिसिंग प्लेस था वो गूगल मैप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही नहीं है तो उस सिचुएशन पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मिसिंग प्लेस को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को गूगल मैप के अंदर ऐड करना चाहते हो तो उस टाइम पे अलग प्रोसेस है। उसके लिए आपको अप्लाई करने के बाद गूगल की तरफ से आपके पास एक पिन भेजा जाएगा, आप उस पिन से आप वेरीफाई करोगे तब जाके आपकी जो बिजनेस है वो गूगल मैप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी मिसिंग प्लेस को ऐड करना चाहते हो तो वो सिचुएशन पे इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से आप अपने मिसिंग प्लेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो की लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाला टाइम पे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक की नए नए वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।